अच्छा एक चीज और, वेरी इंटेलिजेंट सर। सर सुनिए सर, आपके तो बाल हैं सर। यस, चप्पल छोटी हो जाए तो पाँव में नहीं आती, चप्पल छोटी हो जाए तो पाँव में नहीं आती, बीवी अगर मोटी हो जाए तो बाहों में नहीं आती। अच्छा आप बीवी समझ लीजिए, गर्लफ्रेंड समझ लीजिए, वन एंड द सेम थिंग। आजकल इट डजंट मैटर, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, एज लॉन्ग द पार्टनर हैज टू बी गुड, यू कैन लव, यू कैन केयर, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। दिस इज ऑल्सो मैसेज, शादी एक लाइसेंस है, यू नो एक लाइसेंस है। मैं उसके बारे में तरवा मेंटली डिसाइड कर लिया है, बॉडी होगी ट्रिम। अभी देखो ना किचन से मॉम की आई है आवाज, बेटा बने हैं राजमा चावल और साथ में ओनली प्याज। ओह माय गॉड इट्स ऑसम विद देसी घी, आई लव ही 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 ही। क्या करूं, व्हाट टू डू, कंट्रोल नहीं होता है, माँ को ना करने का कोई झोल नहीं होता है। राजमा के बाद थोड़ा आ जाता है फाट, आई नो बेबी इट्स हैवी ऑन योर हार्ट, मेरा जिम जाना कैंसिल, बट बेबी आर यू Going to the gym, then go to the gym. Matter hai no ji, mobile mein 3G, weight 90 kg, I'm going crazy. Mood banana padta hai gym jaane ke liye, baby bahut sara chidiya hu khane ke liye. सुबह उठता हूँ, ब्रश करके सोचता हूँ, अभी जाऊँ दोपहर में जाऊँ या रात को जाऊँ। मेंटली डिसाइड कर लिया है, बॉडी होगी ट्रिम। अभी देखो ना किचन से मन की आई है आवाज, बेटा बने हैं राजमा चावल और साथ में ओनली प्याज। ओह माय गॉड इट्स ऑसम विद देसी घी, आई लव इट। क्या करूँ, व्हाट टू डू, कंट्रोल नहीं होता है, मन ना करने का कोई झोल नहीं होता है। राजमा के बाद थोड़ा आ जाता है फट, आई नो बेबी इट्स हैवी ऑन योर हार्ट, मेरा जिम जाना कैंसिल, बट बेबी आर यू Going to the gym? Come on, together! Together, everybody! Then... Choo! I'm going to the gym. Baby, are you coming or not? I'm going to the gym. आई होप ये जरूरी नहीं रोज बूस्ट करना, आई होप ये जरूरी है वेट लूज करना। एवरी डे घूमते रहते हैं सिटी में, बात कभी मेल में, रेल में, सेलफोन में, होम में आ जाते हैं इनवाइट, एम आई राइट, टेम्पटेशन तो हो जाती है ना ब्रो, वी हैव टू ग्रो, जाना पड़ता है ना बार में, कंपनी की कार में, चीज वाला पिज्जा फिर आ जाता है सामने, फैट वाला खाना क्यों बनाया है राम ने, रम पिया, जिम पिया, फुल पिया, क्या नहीं मैंने किया, सड़कों पे डांस किया, पर वो भी रैप किया, रैप किया, बोला मैंने सबको दिन टाटा टाटा, मारा अपने चीप पर चाटा चाटा, रात से खाऊंगा मैं कार्बोहाइड्रेट, पर जाएगा मेरा 2-3 किलो वेट। आई नो दिस कंडा, प्लीज मारो मुझे डंडा, कल से फॉर श्योर मैं जाऊंगा जिम, बट मुंबई आर यू सेम विद मी, गोइंग टू द जिम टुगेदर, गोइंग टू द जिम, गोइंग टू द जिम, then go to the gym, yeah, yeah, go to the gym, woo, I'm going to the gym, I'm going to the gym, think my head's spinning, yeah, 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 yeah. Saadi gali aaja sanu, chad waliye, saadi gali aaja sanu, chad waliye, saadi gali aaja sanu, chad waliye, tenu ho, साडे गले आ जा सानू जान वाली है, तेनू हो मारदा फेरा,
लगनी तू क्यों दूर दखा अखिया चो वग पया दिल में लगाना तेरे ना दिल में लगाना तेरे ना साजा सिंह लड़ वाली है एक बारी आजा दूर जान वाली है तेन रोका मार दा फेरा तेन रोका मार दा फेरा
बारिश बरखा सब कुछ बह गया यानी जिन मेरे बारिश बरखा सब कुछ बह गया यानी जिन मेरे अखारा नूर देख के अखारा नूर देख के अखियां चोहन झूर उड़ गए 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 In Bombay, you guys are not allowed to go on the terrace, and that's ludicrous. आप छत पे क्यों नहीं जा सकते यार? छत का हमेशा दरवाजा बंद क्यों होता है? कभी दिल्ली आओ, राजस्थान जाओ, बिहार जाओ, यूपी जाओ, जितना इश्क छत पे होता है वो कहीं नहीं हो सकता. पर मुंबई वालों को समझ नहीं आती है यार, उनको लगता है छत से सुसाइड पॉइंट है, कुछ नहीं हो सकता वहाँ पे. There's lot of potential. बहुत संभावनाएं हैं छतों में. इसी संभावनाओं को मद्देनजर रखते हुए मैंने लाइन लिखी थी. कोठे उठे बैठे अखियां में रोंदे ना जाना हमें तू कभी छोड़ तेरे उत्ते मरदा मैं क्या प्यार तेनु करदा मिलेगा तुझे ना कोई और तू भी आ सबको छोड़ के तू भी आ सबको छोड़ के मेरे अखियां जो हंजूर उड़ गए अखियां जो हंजूर उड़ गए अखियां जो हंजूर उड़ गए पानी दा रंग देख दे पानी दा रंग देख दे पानी दा रंग देख दे अखियां जो हंजूर उड़ गए 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 तब लड़की भी अच्छी लगती है उसकी माँ भी अच्छी लगती है ना उम्र की सीमा हो ना जन्मों का हो बंधन जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन नई रीत चला कर तुम ये रीत अमर कर दो बन जाओ रोना चाह रहे I'll give you my thumb. ये मोह माँ के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे Thank you, ladies and gentlemen. सोनी भगवती
सफा कंधे पे मेरा बस्ता चलो मैं जहाँ लेके ये चले रास्ता बूंदों पे नहीं गहरे समंदर पे चले मेरी जिंदा हुआ तू जो कहे तो पानियों पे चल तू मैं चला तेरा सदका तेरा ही सजदा करा सजना क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है I love you all निकल पड़ा था घर से सोच के ईपीएल में परफॉर्म करूंगा आधे लोग खाना खाएंगे आधे लोग गाना सुनेंगे It's all right जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना सपनों में रोज यार आ जिंदगी में आना तो जाने जाना ढूंढे तुझे खुराना सपनों में रोज यार आ जिंदगी में आना सनम खड़ी है लड़की है या छड़ी है शोला है फुलझड़ी है पटाखे की लड़ी है गुस्सा है लबों पे गाली है देखो जरा देखो यार खुद को समझती है क्या हम जैसी खड़ी है लड़की है या छड़ी है शोला है फुलझड़ी है पटाखे की लड़ी है गुस्सा है लबों पे गाली है समझती है क्या आई है कॉलेज में पढ़ने के लिए जब देखो तैयार है लड़ने के लिए आई है कॉलेज में पढ़ने के लिए जब देखो तैयार है लड़ने के लिए हमने खाई है कसम तोड़ेंगे उसका गुरूर हम हमने खाई है कसम
जैसे खड़े हैं, लड़के हैं या चढ़े हैं, शोला है फुलझड़े हैं, पटाखे की लड़ी है, गुस्सा है, लोग गाली है। बता दे उससे मिलूंगा, यारों मिला दे, यारों मिला दे, दिलदार मिला दे, यारों मिला दे, दिलदार मिला दे। कर गए जाते जाते एक हसी शाम कर गए, ये अदा भी उसकी क्या काम कर गई, जाते जाते एक हसी शाम कर गई, शाम कर गई तेरे नाम कर गई, ऐसे हसी चेहरे को अपना बुलाना, हवा हवा ए हवा खुश भूल का दे, कहां उड़े हाँ उड़े जुल्फ बता दे, उसका पता दे जरा मुझको बता दे, मैं उससे मिलूंगा एक बार फिर, मिला दे यार मिला दे, दिलदार मिला दे, यार मिला दे, दिलदार मिला दे, यार मिला दे, दिलदार मिला दे, यार मिला दे, दिलदार मिला दे। यार हवाई तो ही चल रही है यहाँ पर। इसी तरह हमारा भारतवर्ष आजाद हुआ। धन्यवाद। सटल परफॉर्मेंसेस मिलती हैं, तो अगर वो मौका मिले एनर्जेटिक परफॉर्मेंस का मैं कर सकता हूं कुछ। मतलब लोग कम है और ज्यादा चेयरिंग मिल रही थी। या बिकॉज़ आई थिंक ये फेस्टिवल का एक वही ऐसा था, जॉनर ऐसा था जहां पर फूड भी साथ में, स्टॉल साथ में, गाने भी साथ चल रहे हैं। सो आई थिंक इट वाज एक्सपेक्टेड लाइक दैट। सो आई थिंक वो लोग शॉप करते करते, खाना खाते खाते, इट्स अ यूनिक कॉन्सेप्ट इन फैक्ट। सो आई थिंक जब भी मैं कोई भी इवेंट होता है बहुत ट्वीट करता हूँ सोशल मीडिया, बहुत एक्टिव हूँ मैं। इनफैक्ट आई वॉज अर्लियर वंस फ्रॉम टेलीविजन और फिल्म इंडस्ट्री, जॉइन ट्विटर इन फैक्ट, सो आई एम वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। अश्वन आपने बड़े शहर में परफॉर्म किया, छोटे शहर में परफॉर्म किया होगा आपने बहुत। अभी मतलब एक सवाल है, सिर्फ थोड़ा सा कॉर्पोरेट है, सब्सिडी का सवाल है, फिल्म सब्सिडी जो होती है, झारखंड गवर्नमेंट ने सब्सिडी दिया 2 करोड़ का फिल्म मेकर्स को कि छोटी जगह में फिल्म बनाए या कोई भी इवेंट करें, तो ये कितना मतलब मुझे लगता है कि जितना रूटेड हमारी फिल्में होती हैं उतनी ज़्यादा अच्छा करती हैं, इंटरनेशनल लेवल पर बहुत अच्छा करती हैं, चाहे वो दम लगा के यश है, मसान है, वो सब छोटे शहरों की कहानियाँ हैं। सो आई थिंक सब्सिडी अगर मिलेगी और जितने भी प्योरिस्ट डायरेक्टर्स हैं उनको आई थिंक बहुत फ़ायदा होगा इससे। अच्छा ओके, कंग्रेचुलेशन एंड थैंक यू सो मच झारखंड गवर्नमेंट फॉर इंट्रोड्यूसिंग दिस सब्सिडी फॉर द इंडियन फिल्म। It's a government thing, yeah. You don't need to. No, you don't need to. We're doing it in Maharashtra, so we're Asha government. Yeah, yeah. And stick to EPL, no? And your movies. I'm not endorsing any brand. No, it's not. That's no issue. Chalo, fine. So what is your thought about Eat, Play and Love? I think Eat, Play and Love is a very unique concept. It's the amalgamation of food and music together. And I think these are the two entities which you really enjoy. Khane aur gaane ke bina hum reh nahi sakte. So I guess this should happen across the nation, not just in Bombay and big cities. It should happen in smaller cities as well. Aur mujhe lagta hai bahut hi hit concept hai. And I also seen the law. You are very excited with your two movies that's coming, Meri Pyari Hindu and
बरेली की बर्फी आल्सो सो व्हाट्स द प्रोसेस ऑफ द प्रमोटिंग द मूवी क्या सोचा है अभी आगे ऐसा हाँ मेरी दो फिल्में इस साल आ रही हैं 2017 में वन इज मेरी प्यारी बिंदु इट्स रिलीजिंग ऑन 12th ऑफ सॉरी 21st ऑफ मई 12th ऑफ मई 21st एंड 40 जून एंड जुलाई जुलाई 21st जुलाई बरेली एंड 12th मई इज आई टेक इट अगेन हाँ मेरी दो फिल्में आ रही हैं इस साल बरेली की बर्फी एंड मेरी प्यारी बिंदु 12th ऑफ मई में आएगी परिणीति के साथ और 21st जुलाई को कृति सैनन के साथ बरेली की बर्फी आएगी सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस टू वर्किंग विद टू बॉलीवुड एक्टर्स एट डिफरेंस इन द हाउ वाज द एक्सपीरियंस बीन एट ईपीएल वेट लेट्स सी मास्टर गाइस प्लीज ओके हां आई थिंक ओके फाइन Yes. Both, I think it's kind of a reinvention for both the actresses. Parineeti Chopra is bar bahut hi naye avatar mein nazar aayengi meri pyari bindu mein glamorous avatar mein nazar aayengi aur Kriti Sanon jo hai pehli bar adhi role mein nazar aayengi unhone ab tak bahut hi urban roles kiye hain so I think both of them are reinventing themselves in these films so is any thinking to promote your movie in Kapil show jab wo release hogi usse do teen hafte pehle aa jayenge okay thank you so much talking thank you guys